शंकर। हाँ पिताजी। क्या बात है पिताजी? एक साल के बाद आ गया मैं। हाँ, एक साल के बाद आ गया, क्या बात है पिताजी? आपके कहने के अनुसार मैं बॉम्बे चला गया कि शादी के बाद, लेकिन पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात, क्या कहना चाहते हो? और बंद ना है कहा बता दो, शंकर बाबूजी बंदना खाए, हम बंदना से मिलना चाहते हैं। और मेरे क्या मेरे मेरे आकर बिना कैसे आए यहाँ? आज आपके बात कुछ अजीब ढंग की निकल ही, मैं समझ नहीं पाया। मैंने फिर भी इतना पूछा है कि हमारी पत्नी बंदना कहां है? क्या सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी पत्नी बंदना है कहां? करके मुझे आर्या
गया, क्यों आ गया? अच्छा, आपके आदेश से हमारी सौगात नहीं हुई, आपने हमें बॉम्बे भेज दिया। एक साल के बाद में आया, आप ये पूछते हैं कि बगैर मेरे आदेश तुम आते हो? जब मैं चाहूंगा तब तुम्हारी सुहागरात होगी। हमारी पत्नी है कहां? मुझे कुछ नहीं मालूम है। बाबू, बाबू हो काहे भैया पर धनिया लगाएगी? और कहा बेटा? हाँ कहिए बाबूजी। सुहागरात की बात छोड़ दे। अच्छा, अब मैं तुझे चुनाव लड़ाना चाहता हूं। अच्छा। अरे प्रधानी का चुनाव लड़ा दूंगा तो प्रधान हो जाएगा, हर बड़ा तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हमें चुनाव और हक किसी चीज से मतलब नहीं। अब हम सिर्फ अपनी पत्नी पंद्रह को देखें। पत्नी से मिलना चाहता है? जी हाँ। अरे यार, मैं तुझे चुनाव लड़ाने की बात कर रहा हूँ। चुनाव ये जवानी की उम्र है, शादी के बाद एक साल के बाद आया चुनाव। चुनाव हमें प्रधानी हमें नहीं लड़ना है, हमें हमारी पत्नी से मिलना है बस। हमें वंदना कहाँ है? हमें बंदरा से मिलना है। कहा है तुम्हारी? चल मेरे साथ, तुम्हें बंदरा से मिला देता हूं। काफी चाल है इसमें, काफी चाल है इसमें। पिताजी अगर पंद्रह के साथ अगर रेप किया उसकी पतन पर ना हो, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। दोस्तों, जय माँ भवानी की कसम है, जय माँ दुर्गा लोटे की पार्टी भैराज की पेश करते जाइएगा। बेकसूर अर्जुन पान की खोज और डाकू अर्चना। सरदार जी एक खत लिखिए, हमें अर्जुन से सूजी के मंदिर में मिलना है। सुखदेव जी एक लेटर लेके आ रहा, उसे लिखना है, जाओ। हेलो सुखदेव जी, दोस्तों हैप्पी होली। ज्यादा नहीं, आधे घंटे का समय आप सबका लोगी में लिखना। सरदार जी बोलिए क्या लिखना है। अर्जुन मैं तुम्हारी अर्चना तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, तुमसे सूजी के मंदिर में मिलना चाहती हूँ। तुम्हें निहत्थे और अकेले एक खत अर्जुन के पास पहुंचाया जाए। राइट, जाओ एकदम। अर्जुन तूने मेरी बात का सुहाग लूटा है ना? अरे मैं तेरी दुनिया लूटूंगी। अर्चना तुझसे मिलने आ रही तेरी मौत का पैगाम लेके। भाई जी मदीने से मिले, और इरफान के जो
जय मां भवानी। सरदार जी तो हम चलते अर्चना के पास, हमें ना भरे कैसा शंकर क्या क्या है और खाद के मदीना बजे करने वाले की बच्ची इतना गोली मार टाका लगाए डाका सारा निकाल करते गो और दुनिया की मेरी खीर पड़े भवानी। आपका नाम से टिकटी आई है क्या? क्या रे चिट्ठी कहा जाता है बच्चों, सारे चिट्ठी कहा जाता है। मुझे इसका इसमें रखा क्या है? बंदा आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। जाइए है कलवा, मैंने लिखा क्या है मरण पर पत्र से अर्चना हमारे पास हमने कुछ नहीं किया है। क्यों आठ डकैत बन गई, हम भी एक अर्जुन डकैत बन गया है। घबराओ नहीं बच्ची, अगर ये भी मुकाबला हो जाएगा ना अर्जुन वो इंसान है कदम पीछे का है नहीं और दुनिया भवानी कसम तुम्हें इतना टुकड़ा बनाओ बनाओ असम शहर का कोई इंसान किन नहीं पाएगा। दुनिया वाले अरे दुनिया आप लोग यहाँ पर छुप जाइए, हमने अर्जुन को अकेले बुलाया।